किसी का होता। मगन जा, जवान लोग मगन जा। और बढ़िया इधर कर मुंह कैमरे की तरफ, ये पकड़ ठीक है भाई, गुड। कमला जी आइए, लीजिए कमला जी। कमला जी इधर करिए चेयर, ठीक। थैंक यू भाई। ये दुर्गा राम जी हैं जो मेरे से कहने पे 4-5 दिन में ये कार्रवाई कर दी उन्होंने। कोई 11-12 महीने से शराब तस्कर फरार था। पुरखा राम जाति जाट निवासी दूधू, दूधू जयपुर वाला दूधू। श्रीमती दूड़ी नाम की महिला जो कि मांगता गांव की रहने वाली हैं, कल उनके द्वारा पूर्व में एक परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें राजीनामा होकर के कार्रवाई ख़त्म हो गई। पुनः कुछ दिनों पूर्व उन्होंने पुनः अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज कराया था, और कल वो किस मानसिक अवसाद में या परेशानी में कलेक्ट्रेट के गेट के ठीक सामने सामने जो रेलवे लाइन है उसकी तरफ वो भागे और आने वाली ट्रेन के सामने कूद करके अपने जीवन को समाप्त करना चाह रहे थे। पूरे घटनाक्रम को देख करके ऐसा प्रतीत होता है। कल ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर चल रहा था और उसमें जाप्ता मैं एसएचओ कोतवाली और काफ़ी सारा जाप्ता लगा हुआ था, जिसमें ये मगन खां ASI, बुद्धाराम कांस्टेबल और कमला लेडी कांस्टेबल भी थे। आप लोग भी संभवतः उस स्पॉट पर खड़े हुए थे, और जैसे ही उस बेतहाशा भागती महिला को देखा तो मेरे ये 3 बहादुर ASI और 2 कांस्टेबल्स भी पीछे भागे, आप लोग भी पीछे भागे, और आती हुई ट्रेन के सामने इसके पहले कि थोड़ी देवी कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त करती, इनके द्वारा बड़ी बहादुरी से उन तीनों को ने मिल करके उसको रोक लिया। और मैंने क्लिपिंग में ये बुद्धाराम की फ़ोटो देखी आपके किसी चैनल पे या अखबार में, मुझे ध्यान नहीं है कि वो हाथ पकड़ करके ला रहा है। तो एक जीवन बचाने में बाड़मेर पुलिस के ये 3 मेरे साथी जो हैं कामयाब हुए हैं। इन तीनों को मैंने सम्मानित किया है, बधाई के पात्र हैं। मैं आशा अपेक्षा करता हूँ मेरे पूरी बाड़मेर पुलिस की टीम से और साथियों से कि ऐसे ही वो बेहतर कार्रवाई करते हुए बाड़मेर पुलिस के लिए अच्छा करते रहें। मैं आपके माध्यम से बाड़मेर के निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन ऊपर वाले ने दिया है बहुत कीमती है। समस्याएं, दिक्कत परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं है, उनसे लड़ना है। और बाड़मेर पुलिस अधीक्षक की हैसियत से मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि पुलिस में उनकी कोई भी कार्रवाई लंबित है तो उनके साथ न्याय होगा। व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है, जैसे इस केस में भी दूड़ी देवी पहले उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया, राजीनामा कर लिया, दोबारा फिर प्रकरण हमने दर्ज किया और वो लंबित था, जिसकी की तफ्तीश श्री धन्नापुरी जो हमारे डिप्टी SP साहब हैं वो कर रहे थे। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं। बाड़मेर इस बारे में बड़ी इसकी ऋणात्मक छवि बनी हुई है कि महिलाएँ बच्चे पुरुष आत्महत्या 2 सेकेंड में कर लेते हैं। कृपया नहीं करें, जीवन अनमोल है, ईश्वर की अनमोल धरोहर है, इसको जिए और जो भी चुनौतियां उसका सामना करें। मैं पुलिस महकमे की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि मेरे पास आएं, उनको न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए संयम धैर्य रखें।